हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है 365 डेज, जो एक पॉलिश मूवी है। यह फिल्म पोलैंड में 7 फरवरी 2020 को रिलीज हुई थी और नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज किया गया है 7 जून 2020 को। यह मूवी 18 प्लस है, तो ये मूवी फिलहाल बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें काफी बोल्ड सीन है और ये मूवी काफी सेक्स से भरी हुई है। मूवी की शुरुआत दो माफियाओं की मीटिंग के साथ होती है, जहां ब्लैक मार्केट डीलर टॉरिसिली सिसिलियन को लड़कियों की ट्रैफिकिंग की डील करने के लिए कहते हैं। टॉरिसिली का बेटा मसीमो बीच पर एक खूबसूरत लड़की को देख रहा होता है, तभी उसके पापा आ जाते हैं और कहते हैं, सुंदर लड़कियां आंखों के लिए तो अच्छी होती हैं, लेकिन आत्मा के लिए श्राप होती हैं। फिर वो मसीमो को अपने बिजनेस के लिए सीरियस होने को कहते हैं, तभी उन पर गोली चल जाती है जो मीटिंग करने आए उन दो लोगों ने चलाई होती है। मसीमो के पापा की वहीं पर डेथ हो जाती है और मसीमो को थोड़ी बहुत इंजुरीज होती है। 5 साल बाद मसीमो अपनी फैमिली के बिजनेस का बॉस बन चुका है, मतलब अब वो माफिया लीडर है। लॉरा अपने बॉयफ्रेंड से नाखुश है, क्योंकि वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लॉरा अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इटली जाती है और वहाँ उसे कोई शैंपेन भेजता है। लॉरा को लगता है शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सरप्राइज दिया है और ये सब अरेंज किया है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि उसने ये सब नहीं किया। लॉरा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरा का फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा होता है, लॉरा वहाँ से चली जाती है। लॉरा खुद को एक रूम में पाती है, रूम का दरवाजा खुलता है और वो नीचे जाती है, वहाँ उसे खुद की तस्वीर दिखती है। तभी पीछे से मसीमो आ जाता है और उसे बताता है कि वो वही लड़की है जिसे वो पाना चाहता है और उसे कई सालों से ढूंढ रहा था, और वो उसे 365 डेज के लिए किडनैप करके रखेगा जब तक लॉरा को उससे प्यार नहीं हो जाता। लॉरा को काफी गुस्सा आता है, वो बोलती है वो उसे ऐसे ही किडनैप नहीं कर सकता, उसकी फैमिली है, एक बॉयफ्रेंड है। फिर मसीमो उसके बॉयफ्रेंड की पिक्स लॉरा को दिखाता है जिसमें वो एक लड़के के साथ सेक्स कर रहा होता है। लॉरा भागने की कोशिश करती है, मसीमो कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ और वो बिना उसकी मर्जी के उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरा सो के उठती है तो देखती है मसीमो उसके बगल में सोया हुआ है, वो नहाने चली जाती है। मसीमो भी उठता है और बगल में नहाने लगता है। लॉरा उसे देखती है, मसीमो पूछता है वो क्या देख रही है। फिर वो लॉरा के पास जाता है, लॉरा उसे टीज करती है और सिड्यूस करने के बाद उसके साथ कुछ भी नहीं करती। मसीमो लॉरा को कहता है कि तैयार हो जाओ, वो लॉरा को शॉपिंग पर ले जाता है। मसीमो और लॉरा रोम जाते हैं, जहां लॉरा फिर से मसीमो को सड्यूस करने की कोशिश करती है। लॉरा मसीमो के रूम में जाती है और उसका मजाक उड़ाती है। मसीमो उसे बेड से बांध देता है और एक लड़की आका मसीमो के साथ ओरल सेक्स करती है। ये देखकर लॉरा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन मसीमो उसके साथ कुछ भी नहीं करता, मसीमो उसके हाथ खोल देता है। फिर लॉरा एक क्लब में जाती है, वहां मसीमो भी होता है। मसीमो लॉरा को छोटी ड्रेस में देखकर गुस्सा करता है। लॉरा फिर से उससे टीज करती है और कहती है इस ड्रेस में तुम बहुत इजीली मेरे साथ सेक्स कर सकते हो। फिर वो एक आदमी के साथ डांस करने लगती है, वो आदमी लॉरा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मसीमो वहाँ आ जाता है और उस आदमी के हाथ पर गन से शूट कर देता है। नेक्स्ट डे मसीमो अपने साथी मारियो के साथ याच पे बैठा होता है और उसका साथी मारियो बताता है कि उसने उस आदमी पर गोली चलाकर अच्छा नहीं किया, अब वो माफिया के लोग उससे बदला जरूर लेंगे। ये सब लॉरा सुन लेती है और माफी मांगती है। मसीमो कहता है अगर उसने पार्टी में वेश्याओं की तरह कपड़े नहीं पहने होते तो ये सब होता ही नहीं। लॉरा वहां से गुस्सा होकर चली जाती है, मसीमो उसके पीछे जाता है। लॉरा समुंदर में गिर जाती है, मसीमो लॉरा को बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है। लॉरा को जब होश आता है तो मसीमो उससे कहता है कि वो उसे खोने से डरता है। लॉरा मसीमो के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों के बीच पहली बार सेक्स होता है। मसीमो लॉरा को वारसा में उसके परिवार वालों से मिलने की इजाजत देता है, लेकिन लॉरा को ये अजीब लगता है क्योंकि अब वो मसीमो को छोड़ के नहीं जाना चाहती। वासा पहुंच के लॉरा अपनी फ्रेंड ओल्गा से मिलती है और अपनी किडनैपिंग की कहानी सुनाती है। लॉरा ओल्गा क्लब में पार्टी करते हैं, सलोन में चिल करते हैं। क्लब में लॉरा का बॉयफ्रेंड मार्टिन मिलता है जो लॉरा से पूछता है कि वो उसे छोड़ के कहाँ चली गई थी। लॉरा उससे कहती है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे संग चीट कर रहे थे। मार्टिन कहता है कि वो सब एक गलती थी। लॉरा उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपने रूम में जाती है, वहाँ मसीमो उसका वेट कर रहा होता है। मसीमो को देख कर वो खुश हो जाती है, फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। मसीमो लॉरा को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो दोनों लॉरा के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। वो लॉरा अपनी शादी की अरेंजमेंट्स के बारे में बात करते हैं। मसीमो कहता है कि वो शादी में अपनी फ्रेंड ओल्गा को इनवाइट कर सकती है। ओल्गा इटली आ जाती है और दोनों शादी के ड्रेस फाइनल करते हैं। लॉरा ओल्गा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ओल्गा कहती है कि उसे ये न्यूज मसीमो को बतानी चाहिए। वहाँ मारियो को पता चलता है कि माफिया लॉरा को मारने वाली है। वो मसीमो को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मसीमो का फोन बिजी है क्योंकि वो लॉरा से बात कर रहा है। वहाँ मसीमो लॉरा से बात कर रहा होता है,
मारियो वहाँ आता है और बताता है कि लॉरा को माफिया के लोग मारने वाले हैं। मसीमो का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और मसीमो को सदमा लगता है। वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है और एंड में हमें सुरंग के बाहर पुलिस की कार दिखाई देती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।